चैप्टर नंबर 3 माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़। सबसे पहले तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर एक। नंबर दो क्या चीज़ है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है एंड्रॉयड, विंडो, iOS, सिम्बन। कई बार आया हुआ है एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा आता है मोबाइल के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम हो गया वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और ब्राउजर। ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। फिर आ जाओ जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, और सीएलआई की होती है कमांड लाइन इंटरफेस। जीयूआई के अंदर हम देख के कार्य कर सकते हैं, जैसे आइकन होते हैं इसके अंदर। सीएलआई होता है कमांड पर आधारित होता है, जैसे डेट, टाइम, डीआर हो गया, वे सो इज, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो आप देखोगे वो स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ हमारे जो विंडो है वो सारे वर्जन लाइन से दे रखे हैं। यहाँ पे देखो 8.1 विंडो 7 विंडो विस्टा एक्सपी मिलेरियम 2098 NT95 MS-DOS, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर इंटरफेस को समझना, सबसे पहले तो क्या होता है, बूट करना। बूट करना हो गया, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, उसकी बूटिंग कहलाती है। वार्म बूट और कोल्ड बूट होती है, दो प्रकार की होती है। डेस्कटॉप एरिया कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो स्क्रीन आती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। टास्कबार यूजर इंटरफेस स्क्रीन के नीचे सबसे नीचे वाला बार होता है, वो कौन सा होता है, टास्क बार होता है, जिसके अंदर राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंदर स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में डेट एंड टाइम होती है। आइकन एक छोटी पिक्चर जो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, आइकन कहलाती है। सिस्टम ट्रे बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए ये वाला सिस्टम होता है, जो बैकग्राउंड में अपने प्रोग्राम को होल्ड करता है, ठीक है ना। क्विक लॉन्च, क्विक लॉन्च होता है ये अपने जो स्टार्ट बटन होता है क्विक लॉन्च, जिस पर कर्सर ले जाती है एक्टिवेट हो जाता है। स्टार्ट मेनू 8 और 8.1 स्टार्ट मेनू नहीं था, लेकिन 10 में सुधार करके लाया गया। पावर ऑप्शन में शट डाउन, स्लिप मोड, शट डाउन और रीस्टार्ट, तीन बटन होते हैं। उसके अलावा स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लिप और हाइबरनेट होता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना, फेवरेट ऐप को पिन करना। जिन प्रोग्राम को आप फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं उन्हें स्टार्ट मेनू पर लाकर रखना क्या कहलाता है, पिन करना। जैसे यहाँ पे ये वर्ड वगैरह को लाके रख लिया था, ये इसको पिन करना बोलते हैं। टास्क व्यू, अगर आपने एक से अधिक प्रोग्राम खोल रखे तो एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने के लिए, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए टास्क व्यू का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस टैब होती है ना। फिर आ जाओ अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को लाया गया है, ठीक है ना। विंडो स्टोर, जिसमें अपने ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्टाना एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो सर्च बॉक्स की तरह कार्य करता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है, कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। मैथ कैलकुलेटर, गणना करने के लिए। फिर उसके बाद मैथ इनपुट पैनल, हाथ से लिखे एक्सप्रेशन को पहचानने के लिए मैथ इनपुट पैनल का उपयोग करता है। विंडो 10 में ये काफ़ी अच्छी सुविधा है। स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या कैप्चर ले सकते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, फ्री फ्रॉम, रेक्टेंगुलर, विंडो और फुल स्क्रीन। विंडो मोबिलिटी सेंटर, विंडो मोबिलिटी सेंटर के अंदर ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रोटेशन, एक्सटर्नल रिप्ले और सिंक सेंटर, ये सात आपको नाम याद होनी चाहिए। पेंट, जिसके द्वारा ड्राइंग बना सकते हैं तथा डिजिटल पिक्चर को हम मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम टूल, सिस्टम टूल क्या होता है, जिसमें अनावश्यक फाइलों को हटाकर कंप्यूटर के जो दक्षता है उसको बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर और दूसरा होता है डिस्क क्लीनअप, ठीक है ना। फिर होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कार्य करने, फाइल या डॉक्यूमेंट डाटा का कलेक्शन होता है। फोल्डर में हम फाइलों को व्यवस्थित करके रख सकते हैं, फोल्डर को हम कंटेनर भी बोलते हैं, फोल्डर को कंटेनर भी कहते हैं, ठीक है ना। विंडो एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर व ड्राइव को दिखाता है। विंडो एक्सप्लोरर हमारे कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर व ड्राइव को दिखाता है। शॉर्टकट आइकन, आइकन रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक होता है, जो शॉर्टकट आइकन कहा जाता है, मतलब ये एक लिंक होता है जो अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट स्क्रीन पर ला सकते हैं। डी एक रूट डायरेक्टरी कहलाती है। उसके अंदर FM सब डायरेक्टरी, ट्यूटोरियल उसकी सब डायरेक्टरी, ये हॉलीडे सबसे छोटी सब डायरेक्टरी कहलाती है। फर्स्ट नंबर सब डायरेक्टरी कहलाती है, ठीक है ना, और रूट डायरेक्टरी कहलाती है, और उस पर अंदर वाली सब डायरेक्टरी कहलाती है। जैसे हॉलीडे की आपके पूछे रूट डायरेक्टरी, तो ट्यूटोरियल की ये, और सबसे ऊपर मतलब फर्स्ट नंबर रूट डायरेक्टरी होती है, बाकी सभी अंदर सब डायरेक्टरीज होती है। रिसाइकल बिन, रिसाइकल में जिसमें डिलीट की हुई फाइलें टेम्प्रेरी रूप से स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में जाती है। शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल परमानेंट रूप से फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास अपने कट कॉपी पेस्ट, नॉर्टन, क्विकिल, एविरा, कैस्परसा, ये हमारे एंटीवायरस है, या कह सकते हैं विंडो 10 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान शामिल है जो पृष्ठभूमि पर चलता रहता है, जिसे विंडो डिफेंडर कहते हैं। एक और ध्यान रखिए, साइड वाला भाग ये होता है विंडो एक्सप्लोरर कहलाता है, जो लेफ्ट साइड के अंदर होता है, जिसमें हमारे कंप्यूटर में जितनी फाइल ड्राइव वगैरह होती है वो सारा हमें दिखाता है। तो विंडो एक्सप्लोरर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी दिखाई देता है, लेफ्ट साइड के अंदर दिखाई देता है। ओके, थैंक्स।